चूप और मट्टी काश्तकारीगरी ये लाजमी है, लेकिन क्या चूप और मट्टी के बगैर काश्तकारी भी मुमकिन है? जी हाँ, आज मुझे एक मौका मिला है जो सब्जियों की काश्तकारी के एक ऐसे मरकज के दौरे का, और वह जानेंगे कि चूप और मट्टी के बगैर काश्तकारी का लाज। हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंचती हूँ इस प्लांट फैक्ट्री में, और फैक्ट्री के अंदरूनी माहौल को बैक्टीरिया से पाक रखा जाना, इसीलिए मैं दो हिफाजती सूट पहना है और जरासीम गुशी भी बहुत लाजमी है। थोड़ी देर के बाद मेरे साथ जानेंगे कि यह हम जो धूप और मटी के बाहर सब्जियों की काश्तकारी कैसे हो सकती है। सब्जियों की काश्तकारी का पहला कदम बीज को ऐसे पॉट में बोना है, फिर इस वर्कशॉप में नए पौधे पैदा होंगे। फैक्ट्री में स्मार्ट खुदकार सिस्टम नसीब है जिसकी मदद से पौधे के लिए गिजायत फराहम की जा सकती है ताकि यहाँ मटी के बगैर सब्जियों की सेहतमंद नशोनुमा हो सके। देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है। LED रोशनी की मदद से कमरों में सब्जियों की काश्तकारी के लिए धूप की जरूरत भी नहीं। दरअसल ऐसे बंद माहौल में सब्जियों की काश्तकारी के दौरान गैरों के बारे में भी फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। पुली फैक्ट्री में 500 मरबे मीटर के रकबे पर 30 से ज्यादा इकसाम के सब्जियों की काश्तकारी की जाती है, और रोजाना 180 केजी सब्जियां पैदा हो सकती है, और ये सारी सब्जियां बराह रास्त खाई जा सकती है। इन सब्जियों की पैदावार में आम सब्जियों के मुकाबले में नुमायां इजाफा हो सकता है जो खुले खेतों में काश्तकारी की जाती है, और जायका भी बेहतर है। सब्जियों की जदीद फैक्ट्री का दौरा आपको कैसा लगा? हम सब जानते हैं कि ज़राअत का इंहसार माहौल पर है, लेकिन इस फैक्ट्री में मदी और धूप के बगैर सब्जियों की काश्तकारी भी मुमकिन है। देखिए, अब जदीद जरी टेक्नोलॉजी के जरिए जो रिवायती माहौल से बाहर निकलते हुए ज़राअत को मजीद तरक्की दी जा सकती है।